मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे माय टॉपिक इज सम्स ऑफ एडिशन विदाउट एंड विद कैरी। बच्चों, आपने विदाउट कैरी के सम्स तो किए हैं कई बार, लेकिन फिर भी मैं आपको विदाउट कैरी और विद कैरी दोनों में डिफरेंट समझाऊंगी कि वो कैसे करने हैं और वो कैसे करने हैं। तो बच्चों देखो, ये है 94, 43, 32। इसको हमने प्लस करना है। ये हमारा है वंस, ये हमारा है टेंस। तो पहले हम इसे लेते हैं। देखो हम कितनी लाइनें लिख चुके बच्चों, 4। अब ये 3, ये 2। अब हम इसको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारा टोटल कितना आया, 9। अब ये है 10, अब ये कितना है बच्चों, 9। तो हम यहाँ कितनी लाइनें खींचेंगे, 9। ये है 4, ये है 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये बच्चों क्या आया, 16। अब इस सम में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमने लाइनें खींची, उनको काउंट किया और वहाँ लिख दिया। ये तो हो गया हमारा सम विदाउट कैरी। अब बच्चों हम ये आते हैं विद कैरी। इसमें हमें क्या है कि अब ये बच्चों कितना है, देखो 3, और ये है 9। अब हम लाइनें खींचेंगे, पहले हम लाइनें खींचेंगे 3 और फिर खींचेंगे 9। लाइनों में भी बच्चों आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लाइनें खींचो, ताकि आप अच्छे से काउंट कर लो और आपको काउंटिंग में आपकी गलती ना हो। क्योंकि अगर लाइनें ही ढंग से नहीं खींचोगे तो आप उसमें गलती करोगे, गिनने में एक भी नंबर कम हुआ तो आपका मैथ का सम गलत। अब बच्चों देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये आया हमारा 12। हम यहाँ साइड पे लिख के देखेंगे, ठीक है बच्चों, 12 लिखा। अब 12 ये हमारा क्या है, वंस, और ये क्या है, टेंस। ऐसे ही अब 12 में वंस कौन सा है, 2, और टेंस कौन सा है, 1। तो हम क्या करेंगे, वंस के नीचे ये वंस वाली डिजिट लिखेंगे, 2। अब बचा 1। अब ये 1 क्या करेंगे, ये है हमारा कैरी। अब इस 1 को हम यहाँ कैरी लगेंगे ऐसे, ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 डिजिट है तो वंस का वंस के नीचे आ गया और टेंस वाला टेंस में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम लाइनें खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, सबसे पहले हम इस कैरी को काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 लाइन खींचेंगे, उसके बाद 7, उसके बाद 3, ठीक है। अब हम काउंट कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना आया बच्चों, 11। अब हम 11 का 11 यहाँ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इससे आगे हमारे पास 100 की डिजिट नहीं है, तो अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो पूरा 11 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ। अब ये हो गया बच्चों हमारा कैरी वाला सम। अब ये देखो नेक्स्ट, मैं आपको फिर एक और बता दूंगा। देखो इसमें क्या है, इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 लाइनें खींचेंगे, फिर हम खींचेंगे 9। अब हम इनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का यह लिख के, और फिर हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ वंस को वंस के नीचे, अब ये 1 को क्या ले, कहाँ ले जाएंगे, ऊपर कैरी। ये हमारा क्या है, कैरी। अब सबसे पहले हम कैरी को काउंट करेंगे, फिर उसके बाद ये 1, उसके बाद 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13।
क्या करेंगे बच्चों? ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी, और जब तक आप नहीं करोगे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब तक आप